subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुकसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। वज़ीर आज़म कहते हैं अपोजिशन से हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन के मुकदमात माफ नहीं कर सकते। मुल्क में कोरोना का फैलाव तश्वीशनाक हद तक बढ़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अफराद लुकमा अजल बन गए। एक ही दिन में 3138 नए मरीजों का इजाफा हो गया। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। अफगान इंटेलिजेंस और भारतीय खुफिया एजेंसी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। कालेदम तंजीम के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन डिफेंस फेज 7 के कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में ताजरों, सनतकारों और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़मीनी इलेक्शन करवा के मज़ीद मजबूत हो जाएगी। मैंने पहले दिन कहा था पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ, जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नेशनल डायलाग से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। सियासी डायलाग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। हम जो बात करते हैं अपोजिशन कहती है हमारे मुकदमात माफ़ कर दें। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाए गए। इसहाक डार, नवाज शरीफ के बच्चे, दामाद सब गुज़िश्ता दौर में बैरून मुल्क भागे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जीत मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि हमें हर शोबे में तारीखी खसारा मिला है। ये मुल्क को मकरूज और दिवालिया करके छोड़ गए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इन हालात से निकलना था जो ये छोड़ कर गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़ी मुश्किल के बाद हमारी मईशत ऊपर जा रही है। दो बड़े डैम और दो नए शहर बन रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देने की है। शौकत खानम बनाने का मकसद गरीब का मुफ्त इलाज करना था। हमने फैसला किया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। कोरोना वायरस से 56 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8603 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,29,280 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,138 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,25,250, सिंध में 1,90,687, खैबर पख्तूनख्वा में 50,762, बलोचिस्तान में 17,604, गिलगित बल्तिस्तान में 4,765, इस्लामाबाद में 33,695, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,517 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 59,06,146 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,202 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,74,301 मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 2,575 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 56 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 8,603 हो गई। पंजाब में 3,265, सिंध में 3,099, खैबर पख्तूनख्वा में 1,439, इस्लामाबाद में 348, बलोचिस्तान में 171, गिलगित बल्तिस्तान में 98,
और आज़ाद कश्मीर में 183 मरीज जान से हाथ धो बैठे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लाहौर सिविल सेक्रेटरियट को निशाना बनाने का मंसूबा खाक में मिलाते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहदरा से गिरफ्तार दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन्स और हसास मुकामात की वीडियोस बरामद कर ली गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वाले अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी और राक के मुबैना नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। CTD के मुताबिक लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाने का मंसूबा खाक में मिलाते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों को शाहदरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। CTD के इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशतगर्द 2 माह कबल अफगानिस्तान से आए थे। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर कोर ने उन्हें जलालाबाद में टास्क दिया था। इस मौके पर भारतीय खुफिया एजेंसी राक का नुमाइंदा मुलाकात में मौजूद था। इन दहशतगर्दों को फंड्स भी राक के अफसर ने फराहम किए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त समरकंद अब्दुल रहमान, वजीर गुल, असमतुल्ला और इमरान के नामों से हुई है। कराची में मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा खैबान राहत की मस्जिद से मुत्तसल ग्राउंड में अदा की गई, जिसके बाद मरहूम को डिफेंस फेस 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा खैबान राहत की मस्जिद सहीम से मुत्तसल ग्राउंड में अदा कर दी गई, जबकि मरहूम को डिफेंस फेस 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा मौलाना शमसुल रहमान ने पढ़ाई, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के शुरका को SOP का ख्याल रखने की हिदायत की गई थी। सिराज कासिम तेली की मैयत गुज़िश्ता रात दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुंचाई गई थी, जिसे उनके अजीज व अकारिब ने वसूल किया। बाद अजा मैयत डिफेंस में उनकी रिहाइश का मुंतकिल की गई। ख्याल रहे कि मारूफ बिजनेस मैन सिराज कासिम तेली का 8 दिसंबर को दुबई में इंतकाल हुआ था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।